प्रोडक्शन दे। आप सभी तालियां बजाते रहे। विजय दीदी, ये विजय की माला पहनाने वाली विजय दीदी हमारी विजय की माला पहना रहे। आप सदा विजय रहेंगे। और ये सुनहरा बहन हमें आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे। खुशियों का मौसम माया है। और मधु दीदी हमारी दिव्य गुणों का गुलदस्ता दे रहे हैं। और हमारे मध्य भी जो भी गेस्ट आए उन्हें भी हम मन की महफिल में। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी ज़्यादा मुझे लगा ये है मेरा रियल घर। सच में यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि मतलब तुम्हें फील ही नहीं होता कुछ, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ होगा ना लाइफ में, तुम्हें फील ही नहीं होगा। तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने हमें गोद में रखा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि परमात्मा की गोद में हूँ मैं इस टाइम। ये फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ ना, इसलिए। तो हम पहले तो हमें सबको यही याद रखना है, हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं ना, ठीक है, मुझे किसी का नाम नहीं पता, आप सबको मेरा ज़रूर पता होगा क्योंकि मैं फेमस हूँ। बट यहाँ पे जितनी भी आत्माएं बैठी है, मैं उनको आत्मा के नाम से ही जानती हूँ। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर भूलगी मैं क्या था, क्या कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ठीक है। तो हम सभी एक ड्रामा में हैं। ये सोच लो कि हम जो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना कर्मा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे ऊपर है तुमने किस रास्ते जाना है। किसी भी चीज़ के दो नज़रिए, किसी भी चीज़ को देखने के ना दो नज़रिए होते हैं। और अगर हम, कई लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं, कई लोग हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं। वो वही लोग पॉजिटिव देख सकते हैं जो खुद पॉजिटिव होते हैं। कोई भी कार्य सेल्फ मोटिव के लिए करोगे ना, परमात्मा खुश नहीं होंगे। परमात्मा तभी खुश होंगे जब तुम दूसरों की हेल्प करोगे। पहले खुद की हेल्प करनी है, बट दूसरों का पहले ध्यान रखना है कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें जरूर याद रखना। और ये अपने कर्मा को, तुम्हारा संस्कार जो है ना, तुम्हारा संस्कार तभी बनेगा अगर तुम अपने थॉट्स, जो कर्मा होता है वो तुम्हारे थॉट्स से बनता है। थॉट्स तुम्हारे अच्छे हो गए तो तुम्हारा संस्कार अच्छा बनेगा, थॉट्स तुम्हारे नेगेटिव हो गए तो तुम्हारा बुरा होता जाएगा। तो हमें सबको इम्तिहान देना है। और किसी, हमें यहाँ पे सबको रिजल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे हैं हम बुरे हैं। हमें अपने परमात्मा को रिजल्ट देना है हमेशा। कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस परमात्मा को बोलना है मैं हूँ तेरा बच्चा, मुझे तेरे को ही रिजल्ट देना है, मुझे दुनिया को नहीं देना। बस रिजल्ट हमेशा इम्तिहान वो लेता जाएगा, लेता जाएगा कठिनाई। और उसको ब्लेम नहीं करना, उसकी रजा में रहना है हमेशा। वो कुछ भी करे तुम्हारे साथ, कुछ भी हो, अगर उसकी रजा में रहोगे ना तो देखना, आज अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा तुम्हारी लाइफ में।